Assalamu alaikum and a very good morning from Amsterdam, and I'm Zia Kharak with you with another vlog. And what a beautiful morning. And I thought ke aapko apartment tour karaya jaye jahan pe hum thehre hue hain. Hamare host the Zebi bhai aur Hamza, aur unki bahut hi mohabbat, इतनी मोहब्बत उन्होंने दिखाई कि जिसका मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता. तो ये हमज़ा का अपार्टमेंट था जो उसने हमारे लिए स्पेयर किया कुछ दिनों के लिए. ये फयाज़ का बेडरूम है और ये मेरा बेडरूम है. साथ में ये एक खूबसूरत टीवी लाउंज है. और जुलाई का महीना है, काफ़ी खुनकी हुई थी, हमने कोई पंखा वगैरह नहीं चलाया हुआ, आप देख रहे हैं, बिकॉज मुझे ठंड लग रही थी. और सुबह सवेरे मैं उठा और मैंने सोचा कि नाश्ता बनाया जाए. ये है जी किचन, स्पेशियस किचन, यूरोप के लिहाज से इसको स्पेशियस किचन ही कहेंगे. जो विज़िट करते रहते हैं उनको पता है कि यूरोपियन अपार्टमेंट्स काफ़ी छोटे होते हैं. ये खूबसूरत व्यू है जी पार्किंग का नीचे. और मैं जाता हूँ जी नाश्ता बनाता हूँ और आपसे मुलाकात होती है थोड़ी देर बाद जब हम बाहर निकलते हैं फ्रेश होकर. तो जी हम निकल पड़े हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी हमने. और आप देख रहे हैं कि रोड पे जो है सारी नमी नज़र आ रही है आपको, बिकॉज़ एम्स्टरडम में बारिशें जो हैं साल के 365 दिनों में से तकरीबन 250 दिन बारिश ही होती रहती है. तो प्रिपेयर रहते हैं सारे लोकल. और हमारे यहाँ बारिश को बहुत खूबसूरत मौसम कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे लोग तंग होते हैं. सामने आप देख रहे हैं सेंट्रल स्टेशन की बिल्डिंग, खूबसूरत. और ये आप कैनाल में बोट्स पार्क देख रहे हैं जिसके ऊपर छतें हैं, बिकॉज बारिश का मैंने जिक्र किया. यहाँ आप पूरा टूर कर सकते हैं पूरी सिटी का इन बोट्स के अंदर टिकट लेके. और हम रवा दवा हैं जी, थोड़ी शॉपिंग की, थोड़ा फ्रेश जूसेस पिए और फिर हमने जाना था जी ए डैम, एक नॉर्थ वेस्ट में एक जो नॉर्थ हॉलैंड का प्रोविंस है उसके अंदर एक शहर है, वो हमने विज़िट करना है. और गांव का नाम है जी, क्या नाम है जी गांव का? गांव का नाम है जी ओलंदाम. तो हम जी रवा दवा हैं ओलंदाम की तरफ. और जेवी भाई इज़ वेरी काइंड के उन्होंने हमें बहुत घुमाया फिराया. और रास्ते में आपको खूबसूरत लैविश किस्म के घर नज़र आ रहे हैं. लश ग्रीन खूबसूरत जगह है एम्स्टरडम. और आपको मालूम होगा कि एम्स्टरडम का एक्सपोर्ट जो है डेयरी के ऊपर. तो आपको फार्म हाउसेज बड़े बड़े नज़र आएंगे, उसके अंदर आपको भैंस बकरियाँ और दुम्बे नज़र आएंगे. तो हम रवा दवा हैं जी ओलंदाम की तरफ, जो कि एक बहुत ही टूरिस्टी प्लेस है. और जो भी टूरिस्ट आता है इस साइड पे विज़िट जो है वो ज़रूर बनता है. और जो ए डैम का मैंने ज़िक्र किया, जो कि यहाँ का बेसिक जो डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, दैट इज़ लाइक हिस्टोरिकल प्लेस. 1230 के अराउंड जो है एक रिवर हार्बर साइड पे जो है यहाँ पे बनाया गया था. और वहाँ से वो लेते थे टोल टैक्स. तो हम पहुंच गए हैं ओलंदाम, गाड़ी में हमने पार्क कर दी है. और उसके बाद हम वॉक करते हुए जा रहे हैं जी हार्बर की तरफ. आपको यहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया पहले नज़र आता है, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ शॉप्स हैं हार्बर के करीब जिसमें आपको क्लोथिंग वेयर नज़र आएंगे ऑन माय राइट अगर आप देखें. और सामने जो है वो हार्बर है. तो आइए चलते हैं हार्बर की तरफ. तो जब आप पहुंचते हैं जनाब हार्बर के ऊपर, तो ये इनके ट्रेडिशनल वेयर जो है बहुत ही मशहूर है. लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं ये पहन के. तो ये आंटी अपना ट्रेडिशनल वेयर पे जो है आपको खुशामदीद कहती है, आपको सलाम दुआ करते हैं इसके साथ. और फिर आप थोड़ा सा जो स्ट्रीट टूर है वो करते हैं, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ सोवेनियर स्टोर्स नज़र आते हैं. और दाएँ बाएँ आप देख सकते हैं, नीचे जो है हार्बर है जहाँ पे बोट्स हैं, ये आपको कैफ़ेज़ नज़र आ रहे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, कैफ़ेज़ हैं. और नीचे जो है अगर आपने दूसरे आइलैंड्स की तरफ जाना है, जो दूसरे गांव हैं, विलेजेस हैं, सो यू कैन गेट अ टिकट एंड गेट ऑन दिस बोट एंड हैव अ टूर. हाँ,
सो द अदर हार्बर इज सिमिलर, सो हमने जो है दिन वलंदाम में ही गुजारा। तो आप खूबसूरत व्यूज चेक करें यहाँ के, ये बोट्स कुछ प्राइवेट हैं, कुछ आप रेंट कर सकते हैं। तो जी ये यहाँ की एक ट्रेडिशनल बहुत फेमस जो है पिकल्ड फिश है, जो कि हमने ट्राई की। थोड़ा सा हम रिलक्टेंट थे क्योंकि हम कच्ची मछली कभी ज़िंदगी में खाई नहीं, तो हमने ज़ैबी भाई होगा कि ट्राई करके दिखाएं। उसके बाद थोड़ा सा फयाज़ ने हिम्मत पकड़ी और फयाज़ ने जो है पहले बाइट ली, क्योंकि फयाज़ साहब तो हाजी साहब तो सबसे पहले होते हैं, और आप एक्सप्रेशन चेक करें उनके। मैं अभी भी रिलक्टेंट था लेकिन फयाज साहब ने इंसिस्ट किया कि आई शुड ट्राई, तो हियर वी गो। ये क्या है? ये प्याज और उसके टेस्ट में ये खीरा। ये अल्लाह खैर। गुड। अभी और लेते हैं। तो जी स्ट्रीट्स में आप घूमते घुमाते आपको काफ़ी चीज़ स्टोर मिलेंगे। चीज़ चूँकि डेरी से इट इज़ अनदर प्रोडक्ट ऑफ एम्स्टरडैम, और हम पहुँचे एक चीज़ म्यूज़ियम में जहाँ पे ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग दिस चीज़ एंड क्लासिक टूल्स यूज्ड फॉर दिस मेकिंग दिस चीज़। सो आइए आपको टूर कराते हैं इस म्यूज़ियम का। चीज़ बाथ भी बहुत फेमस है वहाँ का, ट्रेडिशनल तो ये है जी चीज़ बाथ। एंड देन आप नीचे जाते हैं तो आपको मुख्तलिफ टूल्स, मुख्तलिफ जो है मशीन्स नज़र आती हैं, और ये सारी आपको डिफरेंट क्लासिक चीज़ आपको नज़र आ रही है, जो कि 100 years, 150 years ओल्ड चीज़ भी है, बहुत ही एक्सपेंसिव। और आप यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं इसको। ये आपको कंटेनर्स नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर दूध लाया जाता था और उसके बाद इसको चीज़ में कन्वर्ट किया जाता था। ये जी क्लासिक आपको मॉडल्स नज़र आ रहे हैं किस तरह के घर होते थे, और ये जी चीज़ स्टोर है, क्लासिक मॉडल उसका खूबसूरत। और फिर आप नीचे स्टोर में पहुंच जाते हैं जहां पे आप चीज़ परचेज भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ कलर्स, मुख्तलिफ साइज़ और डिफरेंट एज के चीज़। सो इन्जॉय दिस। मुख्तलिफ टूल्स ले सकते हैं, चीज़ स्लाइसर मुख्तलिफ कलर्स में आप देख सकते हैं चीज़, और साथ में ही आप ख़रीद सकते हैं चीज़ स्लाइसर्स एंड स्टफ लाइक दैट। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। अगर आपका विज़िट होता है यहाँ पे तो ज़रूर आइएगा चीज़ म्यूज़ियम देखने के लिए। फ्री है, फ्री एंट्री है, यू कैन हैव अ टूर और इन्जॉय योरसेल्फ। हम जी घूमते घुमाते वापस पहुंचे लेक्सस स्क्वायर, और हमने खाना खाना था, डिनर, काफ़ी भूख लग रही थी, सारा दिन हमने वलंदाम में गुजारा। और डिनर के लिए जो है स्पेशल मैं आपको अगर एक रिकमेंडेशन दूं तो ये हम जा रहे हैं जी मयूर इंडियन रेस्टोरेंट, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है। और आपको आई एम नॉट अ फूडी माई सेल्फ, बट यहाँ का जो मज़ा था वो मैंने इतना इन्जॉय किया यहाँ का फूड के, हम जितने दिन भी रहे 4-5 दिन हमने रोज़ाना ही जो है मयूर इंडियन रेस्टोरेंट से ही खाना खाया। और हमारे लिए स्पेशल इसलिए भी था क्योंकि जो ओनर हैं वो ज़ैबी भाई के बचपन के दोस्त हैं, तो हमारे लिए VIP ट्रीटमेंट थी। और आइए आपको हम मयूर रेस्टोरेंट ले कर चलते हैं। ये जी हम पहुँचे मयूर रेस्टोरेंट के अंदर,
और हमें वार्म वेलकम किया रोज़ाना की तरह, जो है उनके ओनर ने, जो कि ज़ेबी भाई के बहुत अच्छे बचपन के दोस्त हैं, और उन्हें ख़ुद हमें सर्व किया इतनी मोहब्बत से। खाने का लुत्फ जो है वो दुबाला हो गया और हमने जो है ज़बरदस्त खाना खाया और बहुत मज़ा आया। अगर आप एम्स्टर्डम आते हैं तो ये रेस्टोरेंट ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। आई होप आपने आज का एपिसोड भी इंजॉय किया होगा। स्टे ट्यून्ड टू ज़ी क्लिक्स फॉर मोर। आई विल बी कमिंग विद मोर वीडियोज़ वेरी सून इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।